नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं सोनू कुमार पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं धुरवा डैम में, जहां पर 15 अगस्त अमृत महोत्सव पर लोग यहां पे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इन सबसे हम जानेंगे और सबसे बात करेंगे कि 75वां अमृत महोत्सव ये लोग कैसे मना रहे हैं, आइए जानते हैं। रांची की सबसे खास बात है यहाँ की मौसम, जो पल भर में अपना रूप बदल पूरे रांची के वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती है। झारखंड के राजधानी रांची की एक और खास बात है यहाँ की सुंदरता। रांची के आसपास की हरियाली इसे प्रचुर मात्रा में सौंदर्यता प्रदान करती है। वहीं राजधानी रांची का धुरवा डैम जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। आजादी के अमृत महोत्सव पर यहाँ भीड़ काफी देखने को मिली। शहर की आधी आबादी को जीवन देने वाला धुरवा डैम पानी नहीं बल्कि मौत के लिए पहचान बना चुका है। शायद ये पहचान किसी को रास नहीं आ, स्थानीय लोगों में इसकी नई पहचान से दहशत है। वहीं प्रशासन के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लगातार इस डैम में डूबने से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हम यहां के लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि धुरवा डैम की क्या खासियत और खूबसूरती है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे घूमने ये लोग आए हैं, 15 अगस्त पे ये लोग घूमने आए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे कब से ये लोग घूमते आ रहे हैं। हम लोग यहाँ काफ़ी समय से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा जगह है और लोग घूमने आते हैं, खास करके आज के दिन में जो 15 अगस्त है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ मेला वेला भी लगता है क्या? हाँ लगता है, लेकिन अभी नहीं, वो तो मार पर भी होता है और ये जब जगन्नाथपुर मेला लगता है उस टाइम होता है। नहीं, बाकी दिन से मुकाबले आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हाँ आज तो भीड़ है, काफ़ी भीड़ है आज। आप लोग यहाँ पे झंडा से फोटो खिंचवा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सारे यहाँ भीड़ भी है, मतलब बहुत ही देखने के लिए बहुत अच्छा नज़ारा है, वातावरण भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप ये कहाँ से आए हैं? हम आए डोरंडा तिखाना। डोरंडा से इतना दूर घूमने आए? जी हाँ घूमने आए हैं। अच्छा, हर साल आते हैं? जी हर एक साल आते हैं, हर एक महीना भी आते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, नज़ारा यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो घूमने का सारा टूरिस्ट लोग है, बहुत ही अच्छा। बोलते हैं कि यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है। हाँ यहाँ का सनसेट पूरे झारखंड में बहुत फेमस है, आप जब भी आइएगा शाम में तो आप देख पाइएगा कि सूर्य का किस तरीका से सनसेट होता है, वो नज़ारा बहुत अद्भुत होता है, तो वो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब चीज़ है हमारे पर्यटन को एक बढ़ावा देगी कहीं ना कहीं। तो और आप क्या सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस प्लेस को, पानी को कैसे साफ सुथरा रखा जा सके, और जनता से क्या अपील कीजिएगा? सबसे पहला सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ का सौंदर्यीकरण पे थोड़ा सा ध्यान दे, अगर फिर उसके बाद इस पे थोड़ा सा केयर किया जाए तो सौंदर्यीकरण बढ़ाया जा सकता है। इसके थ्रू पर्यटन के लिए भी बहुत ही अच्छा साधन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हर कोई भी इवेंट होता है ऐसा यहाँ पे भीड़ होता है यहाँ पे डैम पे, 15 अगस्त हो चाहे रक्षाबंधन हो, हर मतलब ओकेज़न पे यहाँ पे पब्लिक जुटते हैं। और बहुत ही मनोरमा मौसम है यहाँ का, सभी सारा मतलब अच्छे से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। धुरवा डैम से बस यही बताना चाहेंगे कि इसको है धरोहर है हम लोग का, अच्छा प्राकृतिक ये है, सौंदर्य है, दर्शन करने का है, तो इसको स्वच्छ रखें अपने स्तर से, जितना भी हो सके इसको साफ रखें। आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं हर साल, यहाँ पर हर संडे को भी हमेशा भीड़ लगता है और यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम होती ही रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर सारे लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं और यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा भी रखते हैं। मैं तो हर साल आता हूँ और हर हमेशा। जी मैं रांची से ही हूँ और ना सर मैं हमेशा ही आते रहता हूँ, लगभग बगल में याद घर नहीं है, बस आते रहता हूँ। यहाँ हम लोग सालों भर आते रहते हैं, कुछ भी ओकेजन होता है, कुछ भी नया प्रोग्राम होता है या फिर नया साल हो गया या फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो हम लोग यहाँ आते ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। जैसा कि आज अमृत महोत्सव का 75वां वर्षगांठ है, जिसको लेके बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लोग मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिकनिक का रूप में मनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बच्चे बड़े सब तरह के लोग आए हुए हैं, जो कि इसको एक बेहतरीन तरीके से बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि भविष्य में भी इस तरह का प्रोग्राम आगे भी हो और जिस तरह से ये बन रहा है आगे भी बनता रहे। पहले दिनों के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिला, क्या ये
हर साल 15 अगस्त या 26 जनवरी को ऐसा भीड़ रहता है हमेशा? पहले तो एक दिन हुआ करता था 26 जनवरी या 15 अगस्त, लेकिन इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ऐसा अपील हुआ है कि हम लोग इस बार 3 दिन बनाएं, 13, 14, 15, तो उसको लेके इस बार अमृत महोत्सव को लेके ज़्यादा ही उल्लास है। तीनों दिन से यहाँ पे मनाया जा रहा है? हाँ, तीनों दिनों से मनाया जा रहा है, बहुत ही खुशहाली के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ है, लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ घूमने को लेके, तो ये बहुत ही अच्छा प्रतीत है और आने वाले समय में हमको लगता है कि और भी इसे बेहतर होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।